आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार का हुआ आयोजन, जन प्रतिनिधियों अधिकारियों के साथ बच्चे हुए शामिल। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर युवा दिवस के रूप में मनाते हुए नगर में प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग अनुसार सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन MD जैन ग्राउंड में किया गया। इसमें जन प्रतिनिधि, अधिकारी, बच्चे, शिक्षकों के साथ आम नागरिक भी शामिल हुए, जहां सूर्य नमस्कार की क्रियाओं को करते हुए विभिन्न चक्र संपन्न हुए। इस दौरान शिक्षकों द्वारा मंच से मौजूद नागरिकों को सूर्य नमस्कार के दौरान रेडियो पर हुए प्रसारण के अनुसार हर योग क्रिया की जानकारी दी गई। आयोजन के दौरान विधायक सचिन बिरला, पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी, तहसीलदार SR कनासे, CMO विकास डावर, जनभागीदारी समिति अध्यक्ष प्रभात उपाध्याय, विधायक प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण पटेल, मंडल अध्यक्ष राजेश पाल सहित सभी शासकीय अशासकीय विद्यालय के प्राचार्य मौजूद थे। विधायक बिरला ने अपने उद्बोधन में स्वामी विवेकानंद के युवाओं का आदर्श बताते हुए युवा सोच और लक्ष्य को निर्धारित कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बिरला ने सूर्य नमस्कार के जरिए स्वस्थ रहने के हथियार के रूप में योग प्राणायाम को महत्वपूर्ण बताया। स्वामी विवेकानंद के प्रेरक वचन हमें हमेशा अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पूर्व विधायक सोलंकी ने कहा कि वर्ष में इस तरह के होने वाले आयोजन के साथ हम स्वयं भी स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन योग की विभिन्न क्रियाओं को करके स्वस्थ रह सकते हैं। इस दौरान नगर के MD जैन स्कूल, कन्याशाला, विमला कॉन्वेंट, बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहित विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिका एवं बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद थे। मंच से शिक्षक दिलीप भवर और राधेश्याम कुमरावत द्वारा प्रदर्शित किया गया मध्य प्रदेश गान कन्याशाला की छात्राओं ने प्रस्तुत किया। संचालन कन्याशाला प्राचार्य संतोष नामदेव एवं आभार MD जैन के प्राचार्य महेंद्र सिंह पवार ने व्यक्त किया। आजाद न्यूज के लिए सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद जी ने जिस तरह से युवाओं को संदेश देते हुए ये कहा है, उठो, जागो, आगे बढ़ो और जब तक लक्ष्य हासिल ना हो रुको मत। इस अमृत वचनों को हम अगर आत्मसात कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोग देश की सेवा में एक न एक दिन अवश्य ऊंचा नाम करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे।